जैसा है उसे उससे कम समझना। जागृति की परिपूर्णता पारदर्शकता से ही, सॉरी यहाँ तक ही रखना। हाँ, बस बस यहाँ तक। धन्यवाद। जो पूरा रेफरेंस बताया गया है यहाँ बाबा जी ने, परमाणु में एक विकास से लेके चैतन्य पक्ष में वो कैसे, जिसको हम विकास बोल रहे हैं ना, विकास क्रम से लेके विकास तक की जो यात्रा है ना जड़ परमाणु की, उसको यहाँ पे पूरा बाबा जी ने बताया। उसी को बाबा जी ने मानव की स्थिति के अकॉर्डिंगली भी परिभाषित किया, जिसमें भ्रांत निर्भ्रांत भ्रांता भ्रांत वाली जो स्थितियां है मानव की, उसके बेसिस पे मानव की यानी कि वो जीवन की जो स्थिति है उसको भी यहाँ पे अच्छी तरह से बाबा जी ने रखा है। तो एक बार पूरा वन बाय वन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि शुरुआत में पेज नंबर 95 में जो फर्स्ट बुलेट है उसमें, सॉरी पेज नंबर 95 में जो लास्ट बुलेट है, जो आज हमने जहाँ से पठन शुरू किया, वहां पे बाबा जी ने बताया कि संपूर्ण परमाणुओं में पाए जाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो ऊर्जा रूपी जो निरपेक्ष ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं व्यापक बोलते हैं सत्ता बोलते हैं, उसके आधार पे ही वो उर्जित है। परमाणुओं में जो भी क्रियाकलाप है वो बेसिकली उसका बेस व्यापक में डूबा भीगा गिरा होने के कारण ही है। निरपेक्ष, फिर निरपेक्ष ऊर्जा जो है वो, उसका तात्पर्य भी बाबा जी ने यहाँ पे स्पष्ट किया, कि निरपेक्ष का तात्पर्य जिसका उत्पत्ति क्रम का कारण न हो और नित्य स्थिति में हो, जिसकी जिसको बोलते हैं ना हम लेमन लैंग्वेज में, कि जिसको मिटाया कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, वो जो स्थिति है जो हमेशा है ही नित्य है, वो स्थिति को यहाँ पे निरपेक्ष सत्ता कहा, जिसको और शब्द में व्यापक भी कहा, साम्य ऊर्जा भी कहा, अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग कंटेक्स के आधार पे उसके अलग अलग नामकरण भी बाबा जी ने दिए हैं। तो कहने का मतलब कि जो परमाणुओं में क्रिया का जो आधार है वो आधार बेसिकली निरपेक्ष ऊर्जा होने के कारण वो क्रियान्वित है, ये देखने को मिलता है। और फिर उसमें आगे बाबा जी ने 96 नंबर के पेज पे जो परमाणुओं के जितने भी व्यू हैं और जितने भी परमाणु एक साथ रहते हैं उसका सहवास और उसके प्रभाव के बारे में बाबा जी ने बताया, कि जैसे इसको अच्छे से समझे तो उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे परमाणु अंश जो है ना, जो साथ में जैसे एक ऑर्बिट में जितने भी अंश है, फिर न्यूक्लियस में या फिर बोले तो सेंटर में जितने, मध्यांश में जितने भी अंश है, वो साथ में रह के यानी कि सहवास से जो प्रभाव उत्पन्न होता है, उस प्रभाव को बाबा जी ने यहाँ पे सापेक्ष ऊर्जा भी बोला है कई जगह पे, और उस वो सापेक्ष का कारण भी है, जिसको और एक शब्द में हम ध्वनि ताप और विद्युत के फॉर्म में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जड़ परमाणुओं में जो सापेक्ष ऊर्जा और सापेक्ष क्रिया के फॉर्म में काफी जगह पे बताया गया है, तो उसके बारे में बाबा जी ने बताया। तो पहले उन्होंने कहा कि व्यापक में होने के कारण पहले तो ये गठन बनता है परमाणु और पार्टिकल्स के बीच में जो क्रियाकलाप होता है, सेंटर में रहना और किसी का और उसके आजू बाजू में जो भी परिभ्रमण है वो करना, ये जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न का मूल रीजन है बेसिकली निरपेक्ष ऊर्जा, जिसको व्यापक भी बोलते हैं सत्ता भी बोलते हैं। अब ऐसा पैटर्न होने की वजह से जो प्राप्त प्रभाव है उस प्रभाव को बेसिकली सापेक्षता में जो आता हुआ प्रभाव, जिसको हम ध्वनि ताप विद्युत बेसिकली बोल सकते हैं, है ना, तो उसको बाबा जी ने ये सेकंड पॉइंट में अच्छे से बताया है, ध्यानाकर्षण कराया है। फिर उसमें डिटेल में आगे और बाबा जी ने बताया कि अणु परमाणु के संगठित जो पिंड है उसकी रचनाएं हैं, तो वो क्रिया को, उसमें होने वाली जो क्रिया है, रचना में होने वाली जो क्रिया है वो क्रिया को स्थूल क्रिया कहा, और परमाणु के अंदर होने वाली परमाणिक क्रिया है उसको सूक्ष्म क्रिया कहा। सूक्ष्म क्रिया यानी कि परमाणु लेवल पे जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, यानी कि मध्यांश में रहना, आजू बाजू में ऑर्बिटल में जो मोशन होना, जितनी भी गतियां है उसको परमाणु क्रिया बोले और उसको ही सूक्ष्म क्रिया बोला। और पिंड और रचना के रूप में जो हमें क्रियाएं देखने को मिलती है उसको स्थूल क्रिया बाबा जी ने यहाँ पे बताया है ना। तो इस तरह से स्थूल और सूक्ष्म क्रिया को यहाँ पे परिभाषित किया, यानी कि जैसे
लोहे का जो टुकड़ा है तो वो स्थूल क्रिया करेगा, है ना, वो एज अ एक पिंड या एक पीस जिसको हम बोलते हैं, वो स्थूल जो भी क्रियाकलाप करेगा जय, तो उसको स्थूल क्रिया में हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे लोहे के टुकड़े से हमने एक रोड बना दिया, और रोड का हमने यूज हमारी दीवार में या स्लैब में या फिर जिसको बोले कि हम घर बनाने में यूज किया, तो उसमें सीमेंट के साथ जो क्रियाकलाप हो रहा है लोहे का, वो बेसिकली स्थूल क्रियाकलाप बोल रहा है, क्योंकि वो रचना या पिंड के रूप में जो पहचानना निर्वाह करना होता है, इसलिए वो आउटर लेयर पे जो एग्जीक्यूशन पार्ट वाला जो एटम्स के पिंड में होता है, उसको स्थूल क्रिया के बारे में स्थूल क्रिया के तौर पे बाबा जी ने बताया है। लेकिन उसके अंदर होने वाली क्रिया, जैसे लोहे का पिंड या लोहे का रोड बना रहता है, वो बने रहने के लिए उसके अंदर जो क्रियाकलाप होते हैं, है ना, उस क्रियाकलाप को सूक्ष्म क्रिया बाबा जी ने यहाँ पे बताया है। तो वो क्रियाकलाप को फिर आगे गति गति और क्रिया में डिफ्रेंसिएट किया है, तो उनमें बाबा जी ने गति, तरंग और कंपन, ये तीन चीजों चीजों में बाबा जी ने सूक्ष्म गतियां तथा क्रिया को विभाजित किया है। जैसे एक वाइब्रेशनल मोशन होता है, उसकी स्पीड और उसके वेव्स प्रभाव के रूप में जो हमें मिलते हैं, वो तीन फॉर्म में बाबा जी ने ये गतियां और क्रिया को डिफ्रेंशिएट किया है। तो कंपन बढ़ जाने से क्या प्रभाव आता है ना, इकाई में या क्रिया में, और फिर उससे क्या आउटपुट निकलता है, ये फिर आगे बाबा जी ने अच्छे से इलाबरेट किया है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ तक जो बातचीत की मैंने, वो अब तक पहुंच रही है ठीक, मैं कह पा रहा हूँ ये चीज, तुमने जो भी यहाँ तक 2-3 पॉइंट डिस्कशन किए वो ठीक है। हेलो जय भाई। हाँ, ऊपर जो कारण गुण और गणितानुक्रम दिया है 95 पेज पे पहला बुलेट अच्छा, हाँ है ना, और सबसे नीचे जो दिया है कि सत्ता की निरपेक्ष कारण संज्ञा है, जी तो वो दोनों का मैचिंग नहीं हो रहा है। वो सेंटेंस जो पूरा है उसमें कारण कारण यानी व्यापक ही होगा। वो अच्छा, ओके ओके, आप कारण गुण गणित वाला जो पॉइंट है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, वो कनेक्शन तो, हाँ अच्छा, तो यहाँ पे जो लिखा है ना अभी लास्ट पॉइंट में, कि निरपेक्ष सत्ता का तात्पर्य जिसका उत्पत्ति क्रम का कारण न हो और नित्य स्थिति में हो, यानी कि जो है उसके पीछे का कारण ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एटम में जो क्रियाकलाप हो रहा है, उसका कारण तो देख सकते हैं कि व्यापक में होने के कारण वो है, लेकिन व्यापक किस तरह से है उसका कारण नहीं पता चल रहा है, तो उस सेंस में यहाँ पे कारण दिख रहा है। तो व्यापक का कोई कारण नहीं है कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई, वो है ही सिर्फ, इतना ही बताया गया है, उस सेंस में यहाँ पे कारण को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके ओके तो आगे चल सकते हैं यहाँ से। हेलो, हाँ चल सकते हैं। इसके पहले ये जो पता नहीं मैं उस समय थी नहीं, वो कारण गुण गणितानुक्रम है उसको हाँ कैसे डिफाइन करते हैं? वो अच्छा, वो है ना, लास्ट सेशन में हमने डिटेल में उस पर बात की थी कि ओके बेसिकली तो वो वो सिद्ध, हाँ, तो एक बार है ना सरिता दीदी, ऐसा हो तो लास्ट सेशन को एक बार सुन लीजिएगा, और ओके उसमें अगर कुछ डाउट बनता है तो हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। है ना। हाँ ओके जी, तो आगे देखते हैं पेज नंबर 96 में फोर्थ बुलेट। इकाई में कंपन क्रिया का बढ़ जाना ही विकास की घटना है तथा इसके विपरीत में ह्रास की घटना है। तो जब भी जितने भी एटॉमिक लेवल पे जो तीन चीजें बाबा जी ने बताई है ना, अणु परमाणु पिंड तक, है ना, कि गति, कंपन और तरंग
तीन डिफरेंस से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसमें जो कंपन गति है वो कंपनात्मक गति का बढ़ने से बेसिकली वो विकास की घटना है या चैतन्य रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो गुणात्मक परिवर्तन जिसको हम बोलते, विकास क्रम से विकास का होना, जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है विकास क्रम से विकास, ये ट्रांसफॉर्मेशन के मूल में कंपन क्रिया बढ़ जाती है और इससे एक विकास की घटना और आगे वाले जिसको हम बोलते हैं कि एक इवेल्युएशन वाली जो घटना है उसके बेस में जो गति है या जो मेन गति है, बेसिकली ऐसा नहीं है कि कंपन है वहां पे और कुछ नहीं है, लेकिन कंपनात्मक गति मूल रूप में मेजर रोल प्ले कर रही है जिससे ये इवेल्युएशन या फिर जिसको बोले कि एक विकास की घटना को ऑब्जर्व किया जा सकता है। और ये नहीं हो पा रहा है, यानी कि कंपन जहाँ पे कंपनात्मक गति जहाँ पे कम होती है या जहाँ पे कंपनात्मक गति जिसको बोलते हैं कि डिग्रेड होती है, उसी उसी समय वो जो एटम है या जिसको हम बोलते हैं कि जो परमाणु अणु जो है वो ह्रास की ओर गति करता है ना, तो वो डिग्रेडेशन में चला जाता है ये गति का कम होने से। तो ये कंपन क्रिया या कंपनात्मक गति से विकास की ओर ह्रास की ओर जो गति है बेसिकली परमाणु के लेवल पे, उसके बारे में बाबा जी ने यहाँ पे बात रखी। और वही चैतन्य इकाई जो है या चैतन्य परमाणु है उसके रेफरेंस में उसके बाद में बाबा जी ने बताया कि चैतन्य इकाई में कंपन की अधिकता ही विशेषता है ना। तो अभी हमने जो बात किया कि जो विकास हो रहा है यानी जड़ से चैतन्य बनना, उसमें मैक्सिमम जो गति बढ़ जाती है वो है कंपनात्मक गति का बढ़ जाना, है ना। जो गतियां है बेसिकली वो तो हमें पता ही है, जो ऑर्बिटल मोशन जिसको घूर्णन गति, वर्तुलात्मक गति और एक है कंपनात्मक गति। तो कंपनात्मक गति का मैक्सिमम और जिसको बोले कि मैक्सिमम आउटपुट चैतन्य इकाई में देखने को मिलता है ना। तो ये क्योंकि वो अल्टीमेट विकास है, उसके बाद परमाणु में विकास नहीं है, है ना। तो मैक्सिमम कंपन की अधिकता जिसको बाबा जी ने बोला वो चैतन्य इकाई में दिखने को मिल सकती है और मिलती है। तो फिर उसी के रेफरेंस में आगे आगे बाबा जी ने पारदर्शकता और अंशानुसार जैसे स्थिति है जीवन की उसके बारे में बाबा जी ने बताया कि ज्ञान में पारदर्शकता के अंशानुसार चैतन्य इकाई भ्रांत, भ्रांताभ्रांत और निर्भ्रांत स्थिति में है। अब जो चैतन्य इकाई का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें बेसिकली ज्ञान के डिफरेंसिएशन से एक जिसमें कोई भी ज्ञान पक्ष नहीं है, जिसको बोले कि समझ अभी विकसित नहीं है, वो स्थिति को भ्रांत स्थिति बोला है ना। और जिसमें ज्ञान की एक स्थिति उससे अच्छी है जिसको भ्रांताभ्रांत स्थिति बोला, और एक निर्भ्रांत स्थिति है जिसमें ज्ञान में पूर्ण है ना, और ज्ञान की पारदर्शिता हमें देखने को मिलती है, इसको निर्भ्रांत स्थिति बोला। तो ज्ञान के बेसिस पे फिर चैतन्य इकाई को तीन भेद से ऑब्जर्व कर सकते हैं जीवन को, भ्रांत जीवन, भ्रांताभ्रांत जीवन और निर्भ्रांत जीवन। और उसी को मानव के रूप में इस जीवन को भ्रांत मानव, भ्रांताभ्रांत और निर्भ्रांत तीन कैटेगरी में, बेसिकली भ्रांत में राक्षस मानव, पशु मानव आते हैं, भ्रांताभ्रांत। हाँ हाँ जी भैया, जी भैया, हाँ जी भैया, इसमें भ्रांत भ्रांत को भ्रांत हाँ माने सर, जो भ्रमित है हाँ वही उसी को वही बता रहे हैं भ्रांत है? भ्रांत भ्रमित हो गया। अब दूसरा है भ्रांता भ्रांत, भ्रांता भ्रांत का क्या हुआ, जो कम भ्रांत है या नहीं, ज्यादा भ्रांत है? जैसे भ्रांत यानी उसमें पशु मानव और राक्षस मानव आते हैं जो टोटली भ्रमित है ना। हाँ, और भ्रांताभ्रांत स्थिति यानी उसमें मानव को बाबा जी ने रखा है ना, जिसको समझ समझ बन गई है, लेकिन जैसे क्या करना है क्या नहीं करना है दोनों का उसके पास मूल्यांकन, भ्रम की समीक्षा भी रहती है और सही का मूल्यांकन भी रहता है। तो उस स्थिति को बाबा जी ने भ्रांता भ्रांत बोला, तो उसमें मानव को बाबा जी ने उल्लेख किया है, मानव देव मानव को उल्लेख किया है इसमें, इस स्थिति में। और निर्भ्रांत स्थिति और में दिव्य मानव को बाबा जी ने रखा है। अच्छा, जी,
हेलो, शब्द के रूप में भ्रांत और अभ्रांत। हाँ, एग्जैक्टली exactly. भ्रांत प्लस अभ्रांत अर्थात भ्रांता भ्रांत, हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही। मतलब दोनों 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 क्वालिटी उसमें अवेलेबल है। हाँ, एले दोनों को वो ऑब्जर्व करके उस तरह से जी सकता है। ठीक, क्वालिटी तो बेसिकली भ्रम मुक्ति ही है, लेकिन उसके पास समीक्षा भी रहती है क्या नहीं करना है उसकी, और सही का मूल्यांकन रहता है। तो जीता वो सही सही है, लेकिन नहीं करना है उसका भी उसको ज्ञात, या जिसको बोले कि उसका भी उसको पता रहता है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा भैया ये क्या, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो आप लिंक देते हो ना वो खुलते नहीं है, वो सफेद रंग में आते हैं व्हाट्सएप में, वो ब्लू रंग में आते हैं तो खुलते हैं, तो उसके लिए आप देख लेना क्या करते हैं। हम दूसरे संतोष से मंगाते हैं तो वो ब्लू में भेजते हैं। ओ अच्छा, क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है? लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। एक बार है ना भैया, आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर एक बार सेव कर लीजिए। शायद ऐसा होगा कि वो सेव नहीं होगा ना, इसलिए वो सिर्फ रिटर्न में आता होगा। एक बार अच्छा सेव तो होगा ना तो वो ब्लू में चला जाएगा भैया। नंबर आप अपने उसमें डाल देना। वो हाँ, मैं आज फिर आज मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, वो वही मेरा नंबर होगा, तो उसको ही आप सेव कर दीजिए, है ना। इसमें पठान, इसमें एमबी पठान में। हाँ, MVD पठन में। हाँ भैया भैया, अच्छा, वो पठान पठान समझ रहा है इसको। ठीक है ठीक है। तो ऐसा है तो मैं आपको पर्सनली भी एक बार मेरा नंबर कर दूंगा, तो आप सेव कर लीजिए, फिर वो लिंक आपको क्लिकेबल हो जाएगा। हाँ, यही बात होगी। ठीक क्या है आप। तो आगे चले, तो आगे फिर जड़ता के पक्ष में बाबा जी ने बताया कि जड़ता में पारदर्शकता से अंधकार का अभाव, पारभासिता से अंधकार का आंशिकता में अभाव, तथा अपारदर्शकता से अंधकार है, अंधकार मूलतः छाया ही है। तो उसी को जो स्थिति है ना, बेसिकली उसको बाबा जी ने जड़ता के रूप में थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि जैसे पारदर्शकता, ज्ञान में पारदर्शकता जो होती है, वो कैसे उसको देखा जाए, उसकी उसी के रेफरेंस में बाबा जी ने यहाँ पे बताया कि मान लीजिए मेरे में अंधकार का, मुझे अंधकार क्या है वो पता नहीं, तो मुझे पता ही नहीं है अंधकार क्या है, तो मैं अंधकार को ही वास्तविकता मान लेता हूं। तो उसको बोला अपारदर्शकता, है ना, पता न होना या भ्रम होना या कुछ का कुछ पता होना, इसको बाबा जी ने बोला अपारदर्शकता। तो अपारदर्शकता में मैं जो चीज नहीं है उसी को मान लेता हूं। तो जैसे अंधकार की वास्तविकता में अंधकार है नहीं, है ना, वो तो एक छाया है मूलतः, तो वो मुझे पता नहीं है, तो मेरा ज्ञान में अभाव है, उसी को बाबा जी ने अपारदर्शकता बोला। तो अपारदर्शकता बस अंधकार मुझे लग सकता है, जैसे दुख मुझे लग सकता है, इसी तरह से अंधकार भी मैं मान सकता हूँ। फिर पारभासिता बाबा जी ने बोला कि अभी अपारदर्शकता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पता चलता है कि जैसे दुख ही वास्तविकता नहीं है, सुख जैसे भी एक वास्तविकता है। अभी सुख का पता नहीं चला, सुख की समझ नहीं बनी, लेकिन मुझे उसका भास आभास दिख रहा है। तो वैसे ही जैसे अंधकार का आंशिक पार्ट मुझे दिख रहा है कि अच्छा अंधकार जैसा, ऑब्वियसली हाँ, मुझे पता चलता है कि जैसे मैं कोई बिजली, जहां से लाइट आ रही है उसके बीच में मैं हाथ ले जा रहा हूं, तो मुझे नीचे उसकी परछाई दिख रही है। तो वैसा ही होता होगा जब सूर्य के सामने पृथ्वी आ जाती है हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे पोर्शन में अंधकार जैसा दिख रहा है। तो अच्छा, ये एक भास आभास की स्थिति बनी जिसमें मुझे लगता है कि अंधकार जैसी वास्तविकता शायद नहीं है, है ना, लेकिन 100% नहीं बनी, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है, लॉजिकली कनेक्शन दिख रहा है, मैंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन किया तो पता भी चल रहा है। लेकिन पूर्ण पारदर्शिता जिसको बाबा जी ने बोला कि अगर जड़ता में ऑब्जर्व किया जाए, तो जो जैसा हो रहा है तब मैं उसको देखूंगा कि हाँ, मैं उसको गणितीय विधि से ऑब्जर्व करूंगा कि जो पृथ्वी की मूवमेंट है वो हर एक दिन में एक बार सूर्य के सामने आ जाती है, और उस वो आगे वाला जो हिस्सा है उसी की छाया पीछे वाले हिस्से में आती है, जिससे पीछे वाला हिस्सा पूरा ढक जाता है, जिसको मैंने अंधेरा या अंधकार मान लिया है।
ये मेरे समझ में आ जाने से, बात में नहीं सिर्फ समझ में आ जाने से, ये जड़ता पक्ष में जो अंधकार वाला पक्ष है उसमें पारदर्शिता बन जाएगी। अब अंधकार जैसा मुझे कुछ दिखेगा नहीं, है ना, दिखेगा नहीं मतलब कि अंधकार की जो स्थिति है वो मुझे एज इट इज पता चल जाएगी कि अंधकार नहीं है अल्टीमेटली, वो तो छाया ही है मूलतः। तो इससे बाबा जी ने ये ज्ञान जिसको चैतन्य इकाई बोली, चैतन्य इकाई में जो मानने वाला पक्ष है भ्रांत भ्रांताभ्रांत और निर्भ्रांत स्थिति को यहाँ पे एक एग्जाम्पल या एक अंधकार जैसे एक जड़ता पक्ष में उसको पारदर्शिता पारभाषिता और अपारदर्शिता के रेफरेंस में बाबा जी ने ध्यान आकर्षण कराया। ठीक, तो फिर आगे चले तो उसके बाद का जो बुलेट है यहां तक ठीक है, पहुंच रही है बात? हेलो, हाँ चले आगे। इसको ये हाँ हाँ ठीक है, आगे चल सकते हैं, इसको अभी पढ़ के थोड़ा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, जी जी सीधे कई सीधे बार नहीं बैठ रहा है पढ़ना जो। पड़ेगा, हाँ पादर, एक बार में समझने वाला कंटेंट नहीं है ये, बहुत गहरी गहराई है इसमें। हाँ जी, धन्यवाद सरिता दीदी, बिकॉज आप बार बार ये ध्यानाकर्षण करा रहे हैं ग्रुप में कि स्वपठन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो आपका धन्यवाद, है ना, कि इसको अपने में स्थिर करने के लिए खुद से पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जिससे मुझे पता चले कि कितनी क्लैरिटी बन पा रही है कितनी क्लैरिटी नहीं बन पा रही। जहां पे नहीं बन पा रही फिर उसमें ग्रुप में वापस से उसको डिस्कस किया जा सकता है, और जहां पे बन पा रही है तो उसकी तृप्ति भी हमें दिख रही है ना। हाँ जी दीदी, जी तो धन्यवाद, आगे चलते हैं। आगे जो बुलेट है उसमें बताया कि चैतन्य इकाई में ज्ञान पारदर्शी होने के फलस्वरूप अज्ञान का अभाव हो जाता है, जिससे यथार्थ दर्शन होता है तथा सर्वत्र ज्ञान ही प्रतिष्ठित परिलक्षित होता है। चैतन्य इकाई के विकास एवं जागृति की यह सीमा निर्भ्रांत अवस्था है। तो अभी आगे जो एग्जाम्पल बाबा जी ने बताया था, पहले तो चैतन्य में जो स्थितियां है वो स्थिति के बारे में बाबा जी ने बात की, भ्रांत भ्रांताभ्रांत निर्भ्रांत, उसके बारे में उसको एक एग्जाम्पल देके बाबा जी ने समझाया अंधकार के रूप में, एक जड़ पक्ष का एग्जाम्पल लेके। और अब जो बात हम करेंगे उसमें वो तीनों स्थितियों में क्या होता है, भ्रांत निर्भ्रांत और भ्रांताभ्रांत, वो तीनों स्थितियों में जो ऑब्जर्वेशन है उसको बाबा जी ने यहाँ पे लिखा है। तो बाबा जी ने बताया पहले निर्भ्रांत अवस्था के बारे में, बाबा जी ने ये बुलेट में बताया है कि जिसमें अज्ञान का अभाव है यानी पूर्ण समझ डेवलप हो गई है, जिसको हम दूसरे शब्द में अनुभव संपन्नता भी कहते हैं जागृति भी कहते हैं, तो 100% पारदर्शिता, या जिसको बोले कि अब रहस्य जैसा उसमें कुछ रहा नहीं, ये कैसे हो रहा है, हर क्यों और कैसे का उत्तर जिसके पास है, वो स्थिति जिसको पारदर्शिता बोला या पारदर्शी होने की स्थिति बोली, उसके फल स्वरूप में बेसिकली अज्ञान का अभाव हो जाता है ऐसा बोला, और उस स्थिति को बाबा जी ने निर्भ्रांत अवस्था बोला है। और बाबा जी ने आगे ये भी बताया कि ये स्थिति तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो उन्होंने बताया कि यथार्थ दर्शन से ये स्थिति बनती है, पारदर्शी होने की जो स्थिति है वो यथार्थ दर्शन से, तथा वो यथार्थ दर्शन की जिसको बोले प्रमाणित होने से, उसकी प्रतिष्ठा या उसकी प्रतिष्ठा को परिलक्षित करने से ये स्थिति बनती है, यानी कि मुझे समझ में आ जाना और उस समझ से मैं जी पाऊंगा तब की जो स्थिति है बेसिकली, वो स्थिति बाबा जी ने यहाँ पे चैतन्य इकाई में निर्भ्रांत अवस्था के रूप में बाबा जी ने बताया है ना। तो मोटे रूप में इस पॉइंट को देखें तो ये कहना चाहते हैं, तो पहले मुझे ज्ञान हो जाना या ज्ञान संपन्नता मेरे में आ जाना, और ज्ञान संपन्नता के बाद वो ज्ञान को सर्वत्र या सभी जगह पे प्रतिष्ठित यानी प्रमाणित करके ऐसा जी पाना, वो जो स्थिति है आचरण पूर्णता वाली स्थिति, उसको बाबा जी ने निर्भ्रांत अवस्था के रेफरेंस में यहाँ पे बताया। फिर उसके बाद
भ्रांत अवस्था के बारे में बाबा जी ने बात की, तो बाबा जी ने बताया कि भ्रमित चैतन्य इकाई ज्ञान में पारभासी होने के फल स्वरूप अज्ञान का पूर्ण अभाव नहीं होता, पर साथ ही ज्ञान का भास होने लगता है, जिससे कभी कभी यथार्थ का भास भी होता है तथा कभी कभी अतिव्याप्ति, अव्याप्ति तथा अनाव्याप्ति दोष सहित दर्शन होने लगता है। यही भ्रांत अवस्था है ना। तो जैसे ये अपनी जो बेसिकली अपने में ही ये जो स्थिति की बात बाबा जी कर रहे हैं यहाँ पे, वो अपने में ही यानी जीवन में ही घटने वाली अवस्थाएं है, स्थितियां है, जिसको हम अपने में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बाबा जी ने बताया कि ये जो स्थिति है जिसमें मानव बेसिकली कभी कभी उसको सही का भास आभास हो जाता है ना, कि ऐसे जीना ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं कि सही बोलना हमें स्वीकृति में आता है, कभी कभी हम सही बोलते हैं हमेशा, है ना, और कभी कभी सिचुएशन में हम गलत भी बोलते हैं, तो कभी कभी हम यथार्थता का भास आभास हो जाने से हम ऐसा जी जी लेते हैं किसी आयाम में कभी कभी, लेकिन उसकी निरंतरता नहीं बनती। आगे जाके ऐसा पता चलता है कि हम जैसे जैसे कहीं पे सिचुएशन वाइज हमने झूठ भी बोल लिया, उसको कोटिंग भी कर लिया, कुछ का कुछ भी समझ लिया, कुछ का कुछ बता भी दिया, तो ऐसी जो स्थिति है अपने चैतन्य की, वो स्थिति को बेसिकली बाबा जी ने भ्रांत स्थिति कहा। तो भ्रांत स्थिति में बाबा जी ने कहा कि यथार्थ का भास तो होता है कि सही ये सही नहीं है, है ना, ये गलत है, ऐसा भास तो होता है, लेकिन साथ में कभी कभी अतिव्याप्ति भी हो जाती है, अव्याप्ति भी और अनाव्याप्ति भी हो जाती है। तो अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति को बाबा जी ने इस तरह से आगे बताई है। बेसिकली अतिव्याप्ति को बताया कि जो जैसा है उसको उससे अधिक मान लेना, है ना, यह समझ लेना, और अति अव्याप्ति को बताया कि जो जैसा है उसको वैसा न समझना, उससे कुछ भिन्न समझ लेना, और अनाव्याप्ति को बाबा जी ने बताया कि जो जैसा है उससे उसको कम समझना। तो ये तीन दोष हमेशा साथ में रहते हैं, क्योंकि हमें अभी सिर्फ यथार्थ का भास है, यथार्थ क्या है वो पता नहीं है, तो सही क्या है वो पता नहीं है, इसलिए वो सही का मूल्यांकन नहीं होता, उससे ज्यादा हो जाता है, उससे कम हो जाता है, या कुछ भिन्न मूल्यांकन हो जाता है। तो उसी को तीन पार्ट में बाबा जी ने अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अनाव्याप्ति भेद से दर्शन होने की संज्ञा बताई। ये भ्रांत अवस्था की स्थिति है बेसिकली। उसी को फिर बाबा जी ने आगे बताया कि अनुभव संपन्नता के अनंतर जब तक वित्तेषणा पुत्तेषणा में जीता है तब तक भ्रांता भ्रांत अवस्था है। तो भ्रांता भ्रांत अवस्था को बाबा जी ने इन शॉर्ट इस तरह से बताया कि जब जब तक जनबल कामना और यशबल कामना मानव में बनी रहती है ना, कामना के रूप में, तब तक की जो स्थिति है भ्रांता भ्रांत। तो ये हमने आगे भी देखा कि शॉर्ट में लेमन लैंग्वेज में समझे तो उसके पास भ्रम की समीक्षा भी रहती है और सही का मूल्यांकन भी रहता है, दोनों साथ में रहते हैं, उससे जो होता है उसको भ्रांता भ्रांत स्थिति बताया, है ना, अवस्था बताया। फिर उसी के बाद अपारदर्शी स्थिति जो है ये पारभाषी स्थिति को बताया, जिसमें भास आभास रहता है। एक ऐसी स्थिति है मानव की जिसमें भास आभास भी नहीं रहता है, पूर्णतः भ्रम में जीता है आदमी, है ना, दुख को ही स्वीकार लेता है, यानी दुख को ही वास्तविकता मान लेना, जैसे अंधकार को ही वास्तविकता मान लेना, वैसी स्थिति है ना। तो उसमें बाबा जी ने बताया कि भ्रमित चैतन्य इकाई में ज्ञान के अपारदर्शी होने के फल स्वरूप ही अज्ञान विवस्था के रूप में बना रहता है, अर्थात अतिव्याप्ति, अव्याप्ति या अनाव्याप्ति दोष सहित ही स्वीकृति होती है, यही भ्रांत अवस्था है। तो जैसे मैंने नहीं बताया कि दुख की स्वीकृति कर लेता है, भ्रम की स्वीकृति कर लेता है, कुछ का कुछ स्वीकृति में आ जाता है, तो मान्यता को स्वीकार लेता है, वैसी स्थिति भ्रांत, पूर्ण भ्रांत स्थिति बाबा जी ने यहाँ पे बताया। तो उसी के रेफरेंस में हमने अभी देखा तो अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति हमेशा उसमें बना रहता है। तो जो चीज जैसी है, जो चीज, जो इकाई, जो मानव बेसिकली वैसा है, उसको वैसा न समझना, उससे ज्यादा समझ लेना, उससे कम समझ लेना या उससे भिन्न समझ लेना, ये जो अपनी स्थिति है उसको बाबा जी ने भ्रांत स्थिति, जीवन की भ्रांत स्थिति बाबा जी ने यहाँ पे बताया। तो ठीक, यही अधिमूल्यन जय भाई। हाँ
हाँ दीदी ये अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अनाव्याप्ति, यस यही अधिमूल्यन, अवमूल्यन, एग्जैक्टली निर्मूल्यन है। वही वही उसी को बाबा जी ने, ये तीनों शब्द को बाबा जी ने मानव के रेफरेंस में, दीदी ने जैसे बताया कि अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन के रेफरेंस में बताया है ना। तो जैसे किसी मानव का अधिमूल्यन हो जाना, जो जिसकी जो स्थिति उससे ज्यादा उसका मूल्यांकन कर लेना, उसको अधिमूल्यन कहा, वही यहाँ पे अतिव्याप्ति के फॉर्म में बताया है। और उसको उसका अवमूल्यन यानी कि वो आदमी की जितनी स्थिति है उससे उसको कम आंक लेना है ना, उसको बाबा जी ने यहाँ पे अव्याप्ति या ना अनाव्याप्ति बेसिकली बाबा जी ने बताया। और एक है निर्मूल्यन, तो जो जैसा बेसिकली उसको मानव कैटेगरी से कुछ भिन्न कैटेगरी, जैसे मानव अवस्था से कोई और अवस्था के साथ उसको कंपेयर कर ले। जैसे कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे एक इस तीनों को एक एग्जांपल में ऑब्जर्व कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो मान लीजिए घर में एक बच्चा है और वो उसका रिजल्ट आने वाला होता है, और हमारी जो अपेक्षाएं है कि उसका रिजल्ट मिनिमम 70% तो आएगा ही, जैसे हमने लास्ट में उससे कम्युनिकेट किया था, उसकी जो स्थिति थी उसके अकॉर्डिंगली हमने माना कि 70% आता है, आना चाहिए, और उससे कम आ गया, बच्चे का रिजल्ट 50% आ गया। तो हम उससे उसको मान लेते हैं कि तुझे कभी समझ में ही नहीं आएगा, तू हमेशा ऐसा ही रहेगा, कितनी बार समझाया तू कभी समझ ही नहीं सकता। ये जो मूल्यांकन हुआ हमसे उसका, तो वो उसका बोला है बाबा जी ने, जो उसकी स्थिति है उससे हमने कम आंक लिया, अनाव्याप्ति जिसको हम बोलते हैं है ना। और अभी सेम एग्जाम्पल लेते, हमारी एक्सपेक्टेशन थी 70%, और बालक का रिजल्ट आ गया 80, 85, 90 अराउंड कुछ भी है ना, उससे ज्यादा आ गया। तो अब हमने उसको बताया, अच्छा अरे रे क्या बात है, क्या रिजल्ट आया तेरे से, तेरे जितना कोई और बच्चा तेरे से अच्छा हो ही नहीं सकता, तू ही सबसे बढ़िया है, तू ही सबसे होशियार है, ऐसा जो मूल्यांकन करते। तो ये भी उसकी जो स्थिति है उससे ज्यादा आंक लेना, ऐसा तो है नहीं कि वही सबसे ज्यादा होशियार है, वही समझ सकता है, हर कोई समझ सकता है। तो जो स्थिति उससे अधिक आंक लेना, ये उसका हुआ बेसिकली अतिव्याप्ति या ज्यादा मूल्यांकन कर दिया हमने। और सेम एग्जाम्पल को ऐसे ऑब्जर्व करें कि बालक का रिजल्ट आया और हमारी एक्सपेक्टेशन में था 70% आया ना, लेकिन वो दो सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो हमने उसको बताया तू तो सबसे तू पढ़ने के लायक ही नहीं है, तू जड़ जैसा है, तुझे पता ही नहीं चलता, जैसे कैसे किसी पशु को समझाने पे उसको पता नहीं चलता वैसा ही तू है। तो उसको मानव ज्ञान अवस्था से भी अलग, प्राण अवस्था या फिर किसी पदार्थ अवस्था या किसी जीव अवस्था के साथ उसको मूल्यांकित करना, कंपेयर करना, ये जो स्थिति है वो उसकी अति व्याप्ति जिसको बाबा जी ने यहाँ पे बोला, निर्मूल्यन जिसको जिसको हम बोलते हैं है ना। तो इस तरह से ये मूल्यांकन के रूप में, मानव के रूप में इसको ऐसे भी हम ऑब्जर्व कर सकते। तो भ्रांत स्थिति में यही होता है, भ्रांत स्थिति में सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है क्योंकि हमें सही का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए वो सही का मूल्यांकन नहीं हो पाता है ना। तो जितना है उतना ही होता है, तो मैं भ्रम में हूं तो भ्रम से ही मूल्यांकन करूंगा। तो भ्रम से मूल्यांकन का जो तीन आधार है वो ये तीन है, अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति और अव्याप्ति। तो ठीक रहा यहाँ तक, और कुछ इसमें डाउट क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक जो भी चर्चा हुई। बढ़िया रहा, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, वैसे तो समय हो चुका है, अगर मन है सभी का तो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, या फिर कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं यहाँ तक। तो क्या करें, यहाँ तक रुकना है या फिर आगे कुछ है क्वेश्चन क्वेरी? या अगर यदि समय हो तो हाँ भैया, जय भाई, आपके पास सबकी टाइम है तो आगे लीजिए, नहीं तो फिर यहीं से, यहीं पर छोड़ देते हैं। अनुमति हो तो बढ़ सकते हैं। हाँ, तो एक बार सब एक बार बता दीजिए, आगे पढ़ना हो तो हम हैंड रेस सिर्फ कर सकते हैं, एक बार हैंड रेस करके हम डाउन कर सकते हैं।
हाँ भैया आगे पढ़ सकते हैं जी। ओके तो आगे देखते आगे कोई पढ़ना चाहेगा 97 में फर्स्ट बुलेट से। हेलो हाँ 97 में फर्स्ट बुलेट से अगर पढ़ने का मन हो तो कोई पढ़ सकता है, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करूँ। ओके तो देखते हैं 97 पिन नंबर 97 फर्स्ट बुलेट। जागृति की परिपूर्णता पारदर्शकता से ही सिद्ध होती है। मानव के लिए यह जागृति ज्ञान की पारदर्शकता से सिद्ध होती है। तो अभी हमने जो बात की उसी को बाबा जी ने यहाँ पे कंक्लूड किया है कि जागृति की जो परिपूर्णता है उसी को हमने नहीं आगे देखा था जो निर्भ्रांत अवस्था में बाबा जी ने जब पारदर्शिकता के बारे में बताया था, तो वही चीज को यहाँ पे बाबा जी ने कंक्लूड किया है कि जागृति ही बेसिकली पारदर्शिता है या पारदर्शकता है। तो जागृति पूर्ण जो ज्ञान एस्टेब्लिश होता है उसी से पारदर्शकता मानव में या जिसको बोले कि किसी भी व्यक्ति में सिद्ध होती है। ज्ञान के बिना ये पारदर्शिता या पारदर्शकता सिद्ध नहीं होती है ना। तो ज्ञान के बिना ये पारदर्शकता कभी कभी भासाभास के फॉर्म में और फिर कभी कभी अपारदर्शिता के फॉर्म में स्थिति के अनुसार वो जीवन की वो मानव की स्थिति के अनुसार देखने को मिल रही। तो ये बात यहाँ पे रखी पारदर्शकता को बाबा जी ने यहाँ पे बताया ज्ञान के रूप में जागृति के रूप में। तो आगे देखते हैं सेकंड बुलेट। आकार प्रकार श्वास प्रश्वास आस्वादन तथा उत्पादन के एक सूत्रात्मक तथा विश्रृंखलात्मक भेद से ही क्रिया है। तो जितनी भी बेसिकली क्रियाकलाप है मानव को लेके है ना, अब यहाँ पे जो क्रिया की बात कर रहे हैं ना वो क्रिया मानव के रूप में क्रियाओं को बाबा जी ने यहाँ पे बताया है ना। फिर उसी को भ्रमित मानव से फिर पूरा नागढ़ आगे शरीर को इंक्लूड किया है इन शॉर्ट यहाँ से है ना। तो पहले जीवन तक की एक प्योर बात थी, जीवन की स्थिति की एक बात थी, चैतन्य इकाई की एक स्थिति की बात कर रहे थे। यहाँ से फिर जो क्रिया में हम ऑब्जर्व करेंगे वो शरीर के साथ होने वाली क्रिया है, उसको बाबा जी ने ये प्रकारों में बताया है जिसमें बाबा जी ने बताया आकार प्रकार श्वास प्रश्वास आस्वादन तथा उत्पादन के एक सूत्रात्मक तथा विश्रृंखलात्मक भेद से ही क्रिया है ऑब्जर्वेशन में आती है। तो जितने भी क्रिया है ये जितने भी टाइप्स है वो टाइप कि एक सूत्रता में या उसकी विश्रृंखला में ये ऑब्जर्व विश्रृंखला में जो भी भेद है डिफरेंस है ये दोनों में उससे हम क्रिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जैसे अवस्था वाइज इसको अगर ऑब्जर्व करें है ना, चार अवस्था है, एक पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। तो पदार्थ अवस्था को ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या हो रहा है, तो देखे तो उसमें उसको ऑब्जर्व करने के लिए आकार प्रकार मैक्सिमम यहाँ तक होता है। देखिए हम ऑब्जर्व करें तो इसमें श्वास प्रश्वास या रेस्पिरेशन जो प्रोसेस हम बोलते हैं वो उसमें नहीं होती। जहां से वो क्रिया शुरू होती है उसको बाबा जी ने यहाँ पे श्वास प्रश्वास जिसको हम बोलते हैं उसमें आया प्राण अवस्था का ग्रोथ और प्राण अवस्था के शरीर के साथ जीवन अटैच हुआ जिसमें आस्वादन और उत्पादन को हम ऑब्जर्व कर सकते। तो आस्वादन बेसिकली जीव अवस्था में और उत्पादन बेसिकली ज्ञान अवस्था में क्रिया के रूप में परिलक्षित होता है, क्रिया के रूप में समझ में आता है। तो इसकी एक सूत्रता में हम ऑब्जर्व करें तो संतुलन दिखता है और इसकी विश्रृंखलता में हम ऑब्जर्व करें तो असंतुलन या रास जैसा हमें अव्यवस्था का भासाभास होता है। तो ये हम ठीक से पहुंच पा रही है ये बात है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है। फिर आगे बाबा जी ने बात की कि भ्रमित मानव में मनाकृति तथा कल्पनात्मक गति की सम्मिलित क्रिया आसक्ति है जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण समाविष्ट रहता ही है ना। तो
भ्रमित मानव जो है बेसिकली उसमें जो मनाकार और मनाकृति तथा कल्पनागत कल्पनात्मक गति है उससे जो आउटपुट निकलता है उसको बाबा जी ने आसक्ति के रूप में बताया, जिसमें आसक्ति में आकर्षण भी होता है प्रतिकर्षण भी होता है। तो स्वयं के साथ आकर्षण, सामने में प्रत्याकर्षण जिसको हम बोलते हैं। तो दो भ्रमित मानव मिलने से या दो के रेफरेंस में उसको प्रत्याकर्षण, अरस्परस्ता में जो बोलते हैं वो प्रत्याकर्षण या प्रतिकर्षण, इसको यहाँ पे बोला है प्रत्याकर्षण बेसिकली है वर्ड। और हम आकर्षण माने तो खिंचाव हो गया, प्रत्याकर्षण माने अलगाव हो गया। हाँ, तो अलगाव यानी कि दूसरे का हमारे प्रति आकर्षण या हमसे वो अलगाव हो जाना, वही बात है बेसिकली। हाँ, ये कल्पना शक्ति की अस्पष्ट गति हुई। हाँ, कल्पना शक्ति की मनाकृति की अस्पष्ट गति का फलन है आसक्ति, मोह जिसको हम बोलते हैं मानव के स्वरूप में, है ना। ठीक है, ये आगे देखिए। तो जड़ चैतन्य आगे की नेक्स्ट बुलेट में बाबा जी ने बताया, जड़ चैतन्य परमाणु में आकर्षण तथा प्रत्याकर्षण से कंपन है। जड़ प्रकृति में आकर्षण उसी को बाबा जी ने फैलाया, यहाँ पे जड़ से लेके पूरा बेसिकली जीवन परमाणु तक उसका फैलाव दिया, उसी को हम देखते हैं अपने आकर्षण प्रत्याकर्षण से क्या है उसको। तो जड़ चैतन्य परमाणु में आकर्षण प्रत्याकर्षण से कंपन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जड़ प्रकृति में आकर्षण गठन और परमाणु संगठन और अनुरचना के रूप में देखने को मिलता है। आकर्षण प्रत्याकर्षण विधि से कंपन होना स्वाभाविक है। तो यहां तक पहले देखे तो बाबा जी ने बताया कि जो जड़ परमाणु है जिसको हम ऑब्जर्व करें तो संगठित होना विघटित होना जो है, उसका संगठन बना रहना विघटन होना, उसके बेस में जो क्रियाकलाप है उसमें बाबा जी ने बताया कि आकर्षण प्रत्याकर्षण से होने वाली घटना है। तो आकर्षण प्रत्याकर्षण से जो कंपन निकलता है और कंपन में जड़ प्रकृति में अगर आकर्षण को एग्जीक्यूटली देखे तो बाबा जी ने बताया कि आकर्षण के फलन में गठन बनता है, परमाणु में संगठन बनता है और उससे एक रचना पिंड के रूप में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो अणु परमाणु फिर रचनाएं जो दिखती है वो बेसिकली आकर्षण का ही एक फलन है ना, ये दिखने को हमें मिलता है। और आकर्षण प्रत्याकर्षण विधि से ही कंपन होना स्वाभाविक है, यानी कंपन को हम प्रभाव के रूप में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। फिर भ्रमित चैतन्य प्रकृति में आकर्षण के रूप में जो आउटपुट आता है उसको बाबा जी ने बताया कि भ्रमित चैतन्य प्रकृति में आकर्षण प्रलोभन के रूप में, प्रत्याकर्षण भय के रूप में होता है, है ना। तो बढ़िया बात बताई बाबा जी ने कि भ्रमित स्थिति है तब तक हम प्रलोभन के रूप में किसी को स्वीकारे हुए है, वस्तु के रूप में, धन के रूप में, संपत्ति के रूप में, और लोभ प्रलोभन वश वो रहता है आकर्षण। और प्रत्याकर्षण में वो डर इनसिक्योरिटी रहता है ना, कि वो चला जाएगा, कम हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, वो जो इनसिक्योरिटी है वो प्रत्याकर्षण के रूप में भ्रमित स्थिति में देखने को मिल रही है। तो ये बाबा जी ने यहाँ पे भ्रमित चैतन्य प्रकृति में आकर्षण प्रत्याकर्षण को बताया। फिर जागृत जीवन में बाबा जी ने बताया कि जागृत जीवन में आकर्षण समाधान के अर्थ में है और विकर्षण समस्या के साथ होता है। बढ़िया, तो देखिए जागृति के बाद जागृत जीवन में समाधान के रूप में बेसिकली आकर्षण दिखने को मिलता है और उसके फलन में समस्या का विकर्षण हो जाता है, और जिसको बोले कि समस्या अभी रहती नहीं है, जो रहता है वो है समाधान जो आकर्षण के रूप में रहता है, और जो डायल्यूट या जिसको बोले कि जो हट जाता है वो है भ्रम समस्या जो विकर्षित हो जाता है, चला जाता है जिसको हम बोलते हैं, दूर हो जाता है। और आकर्षण प्रत्याकर्षण किया के साथ जीवन में कंपनात्मक गति वर्तमान रहती है। जीवन परमाणु में कंपनात्मक गति पांच अक्षय बल एवं शक्ति के रूप में प्रकट है।
तो यही आकर्षण प्रत्याकर्षण में जो होने वाले क्रियाकलाप है उसी के साथ जीवन में कंपनात्मक गति का होना वर्तमान पाया जाता है। कंपनात्मक गति का मतलब है उसका प्रभाव ट्रांसफर होना, कंपन से सम्मिलित प्रभाव ट्रांसफर होना। तो वो जीवन में बेसिकली पांच गति और पांच स्थिति है ना, या बल और शक्ति के रूप में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या उसके रूप में वो प्रकट रहती है। तो ये बात यहाँ पे बाबा जी ने जड़ चैतन्य, जड़ परमाणु में, चैतन्य परमाणु में भी और अच्छे से आकर्षण विकर्षण का प्रभाव जो है उसके बारे में बाबा जी ने यहाँ पे बात रखी। इसमें कुछ अगर हो तो हम ले सकते। ओके, तो चले आगे। ठीक है, तो आगे के बुलेट में बाबा जी ने बताया कि प्रत्याकर्षण और आकर्षण से तुलनात्मक गति है। जड़ चैतन्य परमाणुओं में परिवेशों में घूर्णन व वर्तुलात्मक गति बनी रहती है, मध्यांश में केवल घूर्णन गति बनी रहती है। तो जो गतियां है बेसिकली वो उसको बाबा जी ने यहाँ पे डिफाइन किया। प्रत्याकर्षण और आकर्षण से ही जो गति बनती है और जिसको हम ऑर्बिटल मोशन भी कहते हैं, वर्तुलात्मक गति भी कहते हैं, और उसी में परिवेशों में बेसिकली जो घूर्णन और वर्तुलात्मक गति है ना, वो बनी रहती है, उसका होना पाया जाता है। तो परमाणु अंश जो है वो अपने आप से जो मोशन करता है उसको घूर्णन और एक ऑर्बिटल मोशन, मध्यांश के आजू बाजू में जो मोशन करता है उसको वर्तुलात्मक गति, उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मध्यांश में केवल बेसिकली बाबा जी ने बोला कि घूर्णन गति ही बनी रहती है, मध्यांश के अंश है वो वर्तुलात्मक गति नहीं करते, वो सिर्फ अपनी ही गति में बने रहते हैं, जिसको घूर्णन गति बोला, अपनी धरी पे बने रहना, गति करना, उसको घूर्णन गति बाबा जी ने यहाँ पे बताया है ना। तो ये तीनों गतियों को यहाँ पे बाबा जी ने परिभाषित किया है, अनुभूति में दिया। फिर उसके बाद बाबा जी ने मेदस पर जो कंपन या तरंग जिसको हम बोलते हैं उसके पर जो प्रभाव है उसको बाबा जी ने बताया कि मेदस पर कंपन प्रदत्त तरंग से ज्ञान का उद्घाटन ज्ञानेन्द्रियों द्वारा होता है। तो जीवन से जो यहाँ पे बात की ना बाबा जी ने कि बेसिकली चैतन्य इकाई की जो मैक्सिमम जो है कंपनात्मक गति अधिकाधिक देखने को मिलती है, तो वो जो कंपनात्मक गति का जो कंपन है वो मेदस पे ट्रांसफर होता है शरीर में, और मेदस से फिर जो कंपन के रूप में जो ज्ञान ट्रांसफर हुआ, जो गति के फॉर्म में जो ज्ञान ट्रांसफर हुआ वो बेसिकली ज्ञानेंद्रियों द्वारा एग्जीक्यूट होने से उसका ज्ञात होता है, उसका उद्घाटन होना देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। तो जीवन तो हाँ पूरे शरीर में गतिमान रहता ही है उसके आकार के अनुरूप। हाँ, गतिमान पूरा शरीर के आकार के अनुरूप होता है जी, रहता है। तो वो फिर जाकर के मेधस को प्रभावित करता है, मेधस को सिग्नल देता है। हाँ, मेधस में जी, मेधस जो है ज्ञानेंद्रियों को एग्जीक्यूट करते हैं। यस, मेधस से फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, कार्य और अच्छा, व्यवहार के रूप में जी। एक बात और आई थी, एक बार मैंने कहीं बाबा जी के लेक्चर में पढ़ी थी कि जो मध्यांश रहता है और जो ऑर्बिट में रहते हैं, तो जो ऑर्बिट में घूमते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसकी वजह से ये चुंबकीय बल और विद्युतीय बल ये उससे पैदा होते हैं, ये क्या कंसेप्ट है ये थोड़ा बताएंगे? अच्छा, ओके जी, तो देख लेते। तो बेसिकली जो परमाणु अंश का जो आकर्षण है एक दूसरे के प्रति है ना, जैसे मध्यांश और जो ऑर्बिटल अंश जितने भी होते हैं है ना, उसको एक अच्छी निश्चित दूरी में बना के रखता है ना। तो ज्यादा वो दूर चला जाता है तो उसको नजदीक ले आता है, ज्यादा नजदीक आता है तो उसको दूर। तो वो जो प्रभाव है बेसिकली वो आकर्षण की वजह से है, और वही बेसिकली चुंबकीय विद्युत जिसको हम बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो विद्युत चुंबकीय बल,
अच्छा ये पहले आकर्षण से जो होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। अच्छा अभी 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 देखिए अभी क्या घटना हुई कि अभी हम एक ज़ूम कर रहे हैं, एक एग्जांपल से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मध्यांश में दो अंश है और ऑर्बिट में भी दो अंश है, ऐसा कोई रचना है। तो मध्यांश वो ऑर्बिट वाले दो अंशों को अपने साथ बनाए रखने के लिए जो आकर्षण जनरेट होता है वो चुंबकीय विद्युत है बेसिकली, उसको चुंबकीय बल बोलते हैं बेसिकली, है ना। और वो हाँ, और ये जो अब ऑर्बिटल अंश उसकी मोशन में है मध्यांश के साथ, तो है मध्यांश के लेवल पे तो मोशन करते हैं लेकिन परिवेश में भी मोशन करते हैं, और उसका जो सम्मिलित प्रभाव है ऑर्बिटल अंशों का, वो सम्मिलित प्रभाव को ध्वनि ताप विद्युत बोला, और उसमें जो विद्युत है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबकीय बल जिसको हम। अच्छा एक वीडियो में वो राकेश गुप्ता जी बता रहे थे कि किसी उस किसी कॉइल के अंदर जब मैग्नेट को घुमाते हैं ना तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है दैट इज कॉल्ड करंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार की कोई क्रिया बन रही है क्या इसमें? हाँ ऐसा हो ही रहा है ना, जैसे बेसिकली जो 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 करंट है जो आपने बताया, तो डायनामो टाइप स्ट्रक्चर बनता है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, सेम प्रोसेस इज इवॉल्विंग हियर आल्सो। अच्छा अच्छा नहीं 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 चैतन्य में ना, चैतन्य के रेफरेंस में पूछ रहे हैं ना आप, जीवन के रेफरेंस। हाँ, अच्छा, हाँ, नहीं नहीं जीवन के रेफरेंस में फिर वो प्रभाव नहीं है, जीवन के रेफरेंस में वो प्रभाव आशा विचार इच्छा के रूप में वो गुणात्मक चेंज आ जाता है। अच्छा हाँ जैसे ही चैतन्य में कन्वर्ट होता है तो ध्वनि ताप विद्युत कन्वर्ट हो जाता है इच्छा विचार आशा में, जिसको हमने कल्पनाशीलता बोला बेसिकली, वो प्रभाव जी जी। तो ध्वनि विद्युत ताप मतलब ये डायनेमिक इफेक्ट जनरेट होता है क्या उसमें एटम के अंदर, जो नाभिक के केंद्र से मध्यस्थ बोलते हैं, और जो ऑर्बिटल मोशन जो रहता है तो इसमें ये इलेक्ट्रो उसी से डायनेमिक इफेक्ट से बनता है क्या? हाँ, exactly. ये है ना एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ध्वनि ताप विद्युत बेसिकली, वो मध्यांश और परिवेशीय अंश जो है वो सब मिल के जो गठन बनता है, वो गठन का एक इफेक्ट प्रभाव जिसको हम बोलते हैं वो है ध्वनि ताप विद्युत क्यूमुलेटिव। ठीक है जी बढ़िया। कल तुमने वही बातें कही, अब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आगे बाबा जी ने यहाँ पे 97 में नीचे से फोर्थ बुलेट जो है वो वहां से पढ़ते हैं, तो उसमें बाबा जी ने बताया कि जीवन द्वारा संकेत रूपी गति प्रदत्त तरंग से संवेदनशीलता और संज्ञानशीलताएं व्यवहार में स्पष्ट होती है। तो जो भी जीवन का जो संकेत रहता है बेसिकली शरीर पे, है ना, तो आगे जो बात की ना बाबा जी ने कि जीवन के कंपन से मेदस्क आप्लावित होता है और मेदस्क के प्रभाव से फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्रियाकलाप होता है, तो वो जो क्रियाकलाप होता है उसको बाबा जी ने दो पार्ट में व्यवहार के रूप में परिलक्षित किया, स्पष्ट किया। तो बाबा जी ने बताया कि एक संवेदनशीलता है और एक संज्ञानशीलता में व्यवहार होना देखने को मिलता है। वो जीवन जो संकेत देता है उससे ग्रहण होने से बेसिकली जो व्यवहार के रूप में जो प्रकट होता है वो संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता के फॉर्म में प्रकटन देखने को या स्पष्ट व्यवहार देखने को मिलता है। फिर आगे बाबा जी ने बताया कि प्राण और मन के संयुक्त या विशेषता पूर्ण आघात प्रेरणा रूपी कंपन से संवेद है, अथवा इसे ऐसा समझिए कि संवेद मन के प्रभाव से संपन्न प्राणवायु तरंग है जिससे इंद्रिय ज्ञान का या क्रियाएं संपन्न होती है। तो बेसिकली बाबा जी ने प्राण वायु को यहाँ पे बीच में जोड़ा, जैसे पहले बाबा जी ने एक ओवरऑल पिक्चर क्रिएट किया कि जीवन का संकेत मेदस में जाता है और मेदस से ज्ञानेंद्रिया वर्क करती है, अब बाबा जी ने उसको और अच्छे से क्रिटिकली ऑब्जर्वेशन उसमें रखा कि जो जीवन में भी देखें तो जीवन में मन है जो शरीर के साथ जो आउटर ऑर्बिट में है, लास्ट ऑर्बिट में
जो डायरेक्ट शरीर के साथ या मेदस के साथ जुड़ता है, तो उसका जुड़ा हुआ बाबा जी ने यहाँ पे बताया कि मन है उसका जो तरंग है वो प्राणवायु से भेजता है, जिसको प्राणवायु तरंग बोला है यहाँ पे बाबा जी ने, और वो प्राणवायु तरंग मेदस तक पहुंचती है और मेदस से फिर वो एग्जीक्यूट होती है इंद्रियों द्वारा, है ना। तो ये उसको बाबा जी ने और अच्छे से थोड़ा क्रिटिकली अच्छे से ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया। फिर आगे सेकंड लास्ट पॉइंट में बात की है, कैसे इंक्लूड हो गई प्राणवायु, तो जो कोशिकाएं हैं वो अपने स्फूर्त स्वयं स्फूर्त विधि से ऑक्सीजन को या प्राण वायु को एब्जॉर्ब करके और अपना कार्य क्रियाकलाप करती हैं। ये जीवन में प्राण वायु का कंसेप्ट कैसे बना? अच्छा, जीवन में प्राण वायु का कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट ऐसे है जैसे तो मन आपने बताया ना, मन जो है जीवन का ही पार्ट है। हाँ, वही अब उसी को मैं फैला रहा हूँ उसी को और अच्छे से, जैसे मेदस और मन है ना, ऐसे समझे एक शरीर में जो मेदस है और जीवन में जो मन है वो दोनों कम्युनिकेट बेसिकली करते हैं एक दूसरे से, है ना। तो वो कम्युनिकेशन का जो चैनल है उसको बाबा जी ने यहाँ पे रखा। तो बाबा जी ने बताया कि कंपनात्मक कंपन के रूप में मन से जो तरंग निकलता है वो मेदस तक पहुंचने के बीच में प्राणवायु भी रहते हैं शरीर में, वो प्राणवायु से वो कम्युनिकेशन चैनल कंप्लीट होता है। तो मन से तरंग प्राणवायु के थ्रू मेदस तक पहुंचता है और फिर मेदस से वो ज्ञानेंद्रियों तक पूरा क्रियाकलाप बनता है, ऐसा बाबा जी ने बताया। ठीक है बिल्कुल सही, समझ में आ गया। हाँ जी, फिर सेकंड लास्ट जो पॉइंट है जो बता रहे थे उसमें बाबा जी ने बताया कि हर जड़ क्रिया से प्राप्त जो स्वीकृति पक्ष है वह मन का है, जिससे लिए विहता पूर्वक ही गई क्रिया के बदले में पाई गई उपलब्धियां सुख एवं दुख है। तो ये इसको एकदम जैसे लेमन लैंग्वेज में समझे तो बाबा जी ने बताया कि जो जड़ पक्ष की स्वीकृति जीवन में रहती है वो स्वीकृति मन में रहती है, क्योंकि मन है जो शरीर से जुड़ता है इसलिए उसकी स्वीकृतियां मन के लेवल पे रहती है जड़ पक्ष की, और वो जो स्वीकृतियां है बेसिकली वो स्वीकृति की उपलब्धि सुख और दुख के फॉर्म में मन में के लेवल पे ऑब्जर्वेशन में आती है। तो मन ही है जो सुखी और दुखी होता है ना। तो जो जी ये, क्या भैया ये जनरेट कहाँ से होती है, ये जो सुख और दुख की स्मृति क्या बताया आपने, फिर जो मन में आती है तो हाँ, ये जैसे मुझे कोई चीज जैसे खाने में कोई पकवान है जो मुझे अच्छा लगा है ना, तो वो जो पकवान है वो जड़ पक्ष है, लेकिन अच्छे लगना वाला पार्ट है ना वो जीवन का है ना। तो जीवन में जो जड़ पक्ष की स्वीकृति है, जैसे ये पकवान मुझे अच्छा लगा, तो ये पकवान की जो स्वीकृति है वो जीवन में मन में रहती है, ऐसा बताया बाबा जी। अच्छा ठीक है, तो मेरे मन अनुसार खाना मिला तो उसका सेटिस्फेक्शन मुझे सुख के रूप में दिखेगा, तो मेरे मन अनुसार खाना नहीं मिला तो उसका डिससेटिस्फेक्शन दुख के रूप में मुझे मन में रहेगा, ऐसा है यहाँ। तो ये वृत्ति और चित्र में भी, चित्त में भी तो सर्कुलेट होती है आस्वादन चैन, तो फिर उसका ही वो फैलाव। जैसे मेरे पास आगे जड़ पक्ष में जैसे 4-5 वेराइटीज है ना, तो 4-5 वेराइटीज में से कोई एक वेराइटीज चूज करना, उसमें विचार भी लगेगा और उसमें आस्वादन का एक चित्रण भी हमारे में रहता ही है ना। मन के लेवल पे जो आस्वादन मिला था, उपलब्धि मिली थी, उसका चित्रण भी हमारे पास रहता है। तो वो ऑप्शन के साथ फिर वो इच्छा विचार आशा तो कनेक्टेड है ही, लेकिन उसकी जो बाबा जी ने यहाँ पे ये ध्यान आकर्षण कराया कि जड़ पक्ष की सेंसेशनल बेज कहे या शब्द स्पर्श रूप रस गंध की जो स्वीकृति कहे वो बेसिकली मन के लेवल पे रहती है, वहां से आती जाती है, लेकिन उसके साथ वृत्ति और इच्छा तो रहती ही है साथ में, लेकिन मेन पोर्शन मन का है, रोल जो है मेन रोल मन का है, ऐसा बताया।
अच्छा ठीक है, अभी यहाँ तक बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। अब ये बता रहे हम कि ये जो है अस्पष्ट गति हुई, अगर ये स्पष्ट गति हो जाए अस्पष्ट की जगह, तो फिर मन पे काबू हो जाएगा, फिर वो उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, ऐसा है? जी, तो उसमें स्पष्ट गति होने से वो इंद्रिया नियंत्रित संतुलित हो जाती है। जैसे अभी क्या होता है, जड़ पक्ष से प्रभावित होके मन चलता है। जब मन वृत्ति और इच्छा से प्रभावित होके चलेगा तो वो स्पष्ट गति होगी। तो ये जो इंद्रियों का, जो इंद्रियों से सुख लेने वाला पक्ष है, वो संतुलन में आ जाएगा, ऐसा अच्छा है। ठीक है ठीक है। हाँ तो फिर वो अस्पष्ट गति प्रभावी नहीं होगी, मन को कंट्रोल हो जाएगा, फिर हाँ, बाय डिफॉल्ट, एग्जैक्टली। ये सोच में आ जाएगा कि ये पकोड़े जो है हमको नुकसान करते हैं, तो इनको हमें नहीं खाना है, भले ही हमारी इच्छा हो रही हो, तो ऊपर से वो कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगी स्पष्ट गति के कारण। जी, तो उसमें एग्जैक्टली आपने जो एग्जाम्पल दिया उसमें ऐसा हो रहा है कि मुझे अब पता चल रहा है कि इसका स्वाद तो ठीक है लेकिन सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो सेहत हाँ प्रायोरिटी में आ जाने से, वृत्ति में, विचार में ये हित वाला पक्ष प्रायोरिटी में आ जाने से वो रुचि वाला पक्ष नियंत्रित हो जाता है, ऐसा ही। अच्छा जी हाँ, अभी क्या होता है जैसे कि वो शादी वादी में जाते हैं ना, तो अब हमको डायबिटीज है, और रसगुल्ले देख के विचार बनने लगता है कि चलो एक आध ले लो, एक गोली और बढ़ा देंगे, तो जी अभी मन पर नियंत्रण नहीं है, इसका अर्थ तो यही हुआ ना। हाँ, वो तो वही हुआ। सही है। ठीक 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 है, बात, तो बढ़िया है। आज यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि उसके बाद का जो पॉइंट है वो पूरा नेक्स्ट पेज तक उसका फैला हुआ है, तो उसको कल कर लेंगे। तो आज ठीक है यहाँ भैया, 97 बहुत तक बढ़िया। रखते। वो आपका मोबाइल नंबर हमारे उसमें लगा दो, हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। या मैं अपना मोबाइल नंबर बता दूं तो उसको उस पे आप डायल कर दो। हाँ, तो मैं बता सकता हूँ भैया, वो चैट बॉक्स में मैं लिख लेता हूँ।